नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अमोल दीपक केड़कर है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ, सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारा खुद का हॉस्पिटल है केड़कर हॉस्पिटल, जो अकोला में, महाराष्ट्र में, इंडिया में है। और मैं पिछले 4 साल से एज अ साइकियाट्रिस्ट काम करता हूँ। आज जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है, एक्सरसाइजेस और जो हमारी पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और वही उसके बारे में कंटिन्यूएशन मैं आपको ये वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पूछते हैं कि सर मैं तो फिट हूँ, मेरा वजन भी ज़्यादा नहीं है, मेरा स्लिम हूँ, मैं खाना भी कम खाता हूँ, तो क्या मैंने एक्सरसाइज करनी चाहिए? तो उसके लिए मेरा जवाब कॉमन है और वो है हाँ। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, खाना कैसा भी खाता हो, जंक फूड खाता हो या सादा खाना खाता हो, लेकिन एक्सरसाइज करना, व्यायाम करना या वर्जिश करना आजकल के ज़माने में कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर हम एक्सरसाइजेस नहीं करेंगे तो हमारा जीना व्यर्थ है। हम अगर पैसों पे ज़्यादा अगर फोकस करते हैं, करियर पे फोकस करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, लेकिन एक्सरसाइजेस पे अगर हम फोकस नहीं करते हैं, व्यायाम पे अगर हम फोकस नहीं करते हैं, तो हमारा जीना व्यर्थ है। हर रोज 45 मिनट्स टू 1 आवर हमने ऐसी व्यायाम करना चाहिए, ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसी वर्जिश करनी चाहिए जिससे हमारा पूरा शरीर, पूरे शरीर से पसीना आए और हमको फिट लगे, कॉन्फिडेंट लगे। एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस यही है कि जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम व्यायाम करते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और हम कोई भी काम फटाफट कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हमारा काम हो, चाहे हमारा करियर हो, एक्सरसाइज करने के कारण हमारा सभी काम डबल रेट से, ट्रिपल रेट से, हम स्पीड से वो काम कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने के फायदे क्या है? एक्सरसाइज करने के फायदे हैं कि हम हमारा जो शरीर है वो अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इलास्टिसिटी मेंटेन कर सकते हैं, फिटनेस मेंटेन कर सकते हैं, और हम हमारी जो लाइफ है उसकी जो लॉन्जिविटी है, मतलब जो उम्र है, वो बढ़ा सकते हैं। साथ ही में एक्सरसाइज करने के कारण हमारा जो कॉग्निशन है, हमारा जो थिंकिंग कैपेसिटी है, मेमोरी है, वो हम अच्छे लेवल से बढ़ा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जो एक्सरसाइज करने के न करने के कारण होती है, लेकिन एक्सरसाइज अगर हमने किया तो वो हम बीमारियों से बच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, ऐसे बहुत सारे बीमारियां हैं जो व्यायाम न करने के कारण हो सकती है। लेकिन हम आज से ही अगर हम व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, घूमने जाते हैं, जॉगिंग जाते हैं, तो हम वो बीमारियों से बच सकते हैं। व्यायाम करने के कारण एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारे मन में डेवलप होती है और हम कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली कर पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे दिमाग में स्ट्रेस आ रहा है, हमारे दिमाग में टेंशन आ रहा है, तो ऐसे लोगों को मैं बोलता हूँ कि अगर आप व्यायाम करते हैं, अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हम अच्छी तरीके से वो स्ट्रेस को डील कर सकते हैं और हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। इसीलिए ये वीडियो के द्वारा मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी बीमारी हो या ना हो, अगर हम नॉर्मल हो ना हो, फिर भी व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जितना अच्छी से हम एक्सरसाइज आज करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम जिएंगे। इसलिए आज एक्सरसाइज करना ये इन्वेस्टमेंट है, ताकि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, ब्राइट हो। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो, सभी को शेयर करिए, वो बूढ़ा हो या बच्चा हो, सभी को शेयर करिए और उन्हें मोटिवेट करिए। मेरा पैशन है, मेरी इच्छा है कि मेरे वीडियो के द्वारा मैं लोगों को मोटिवेट करूँ। अगर मेरा वीडियो देखकर सुनकर अगर 100 लोग भी एक्सरसाइज करते हैं, तो मैं समझूंगा कि ये वीडियो सक्सेसफुल हुआ है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं जल्दी ही आगे की वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।